अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको जिस मसले के बारे में बताने जा रही हूँ, ये मसला बहुत ही कॉमन है। ये मर्दों में भी पाया जाता है, औरतों में भी पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लगते हैं। लाइक इफ़ वी आर 40 देन हम 50 के लगते हैं, अगर हम 30 के हैं तो हम 40 के लगते हैं, अगर हम 20 के हैं तो हम 30 के लगते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर दिखाती है। चाहे आप जितने ही छोटे हो, आप काफ़ी मैच्योर लगते हो एज़ कम्पेयर टू योर एज। सो इसका एक बहुत ईजी सोल्यूशन लाई हूँ मैं 3 स्टेप्स में, जिसको आपने फॉलो करना है और हमेशा के लिए इस मसले से खुद को बचा लेना है। यही अल्फाज थे मेरे। और अब मैं आपको बताऊँगी कि मतलब डेली रूटीन पे इफ़ यू हैव लार्ज ओपन पोर्स, देन आपको चाहिए कि आप दिन में 3 बार अपना फेस जो है वो ठंडे पानी से धोएं। ठंडे पानी का ये मतलब नहीं है कि मैं टैप में जो पानी आता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, मैं आइस कूल वाटर की बात कर रही हूँ जो फ्रिज में पाया जाता है। आप एक बॉटल रख लें, उसको फ्रिज में मतलब रख लें, और जब भी आपको फेस 3 टाइम या 4 टाइम दिन में धोना हो तो आप उसी पानी को उठाकर अपना फेस धो सकते हैं। इससे एक तो ये होगा कि आपके पोर्स जो है वो बंद हो जाएंगे, और दूसरा ये होगा कि एक्नी नहीं होगी आपके फेस पे। जो एक्नी थे, जो पिंपल थे, सब कुछ हर चीज़ में फ़र्क आपको महसूस होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के 3 स्टेप्स जिससे आपके ओपन पोर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। पहले हमने सामने आप देख रहे होंगे बॉल हमने उठाया हुआ है, उसमें हमने डाला हुआ है बेकिंग सोडा। हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी जब हम इसमें ऐड कर लेंगे देन हमने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। मैं अपने हाथ पर आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये थोड़ा थिन हो गया, आप इसे थोड़ा थिक कर सकते हैं। ओके, आफ्टर 35 मिनट्स के बाद आपने इसे साफ कर लेना है विथ टिश्यू विथ कोल्ड वाटर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने आइस उठा लेनी है। जी हाँ, आइस आपने ले लेनी है। मेरी आइस जो है वो ऑलमोस्ट जो है मेल्ट हो चुके हैं, कौन सी वीडियो बनाने की वजह से। बनाते बनाते मेरी आइस फुल मेल्ट हो गई, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए भी। सो आपने आइस को उठाना है और अपने फेस पर इसे इस तरह से रब करना है। आपने इस प्रोसेस को करना है 10 to 20 सेकेंड्स आपने इसे करना है। इससे जो होता है ना, आपके जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको जो है मैं आपको कह रही थी कि आप ठंडे पानी का भी, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ठंडा करने से ये होता है कि वो जो पोर्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आपको खुद ही फील होगा जब आप ये करेंगे। ये हो गए हमारे 2 स्टेप्स। पहला जो है अपने सोडा में, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा पानी मिक्स करना है, उसे फेस पर लगाना है 30-35 सेकेंड तक उसे छोड़ना है, देन आपने उसे वॉश कर लेना है कोल्ड वाटर से। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आइसिंग करनी है आपने अपने फेस पर 10 to 20 सेकेंड्स। और जो थर्ड स्टेप है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, इट्स योगर्ट मास्क। आपने थोड़ा सा लेना है योगर्ट, योगर्ट को लेकर आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर, ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से, आप जिस चीज़ की मदद से भी इसे करना चाहते हैं। उठाना है आपने इसे और कुछ इस तरह से लगाना है। ओके, इस तरह से लगा के आपने इसे कितने मिनट के लिए छोड़ देना है, आपने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है।
उसके बाद आपने इसे धो लेना है सिंपली। इससे आपके ओपन पोर्स बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। और मैं आपसे कहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।